हमारी ट्रॉफी अपने तो दिन में 25 मरतबा मौत याद करने का हुक्म किया है, जिसमें 25 मरतबा मरुमत की फिक्र हमारी आप तरफ की होनी चाहिए। और हदीस पाक का मौकू में फरमाया सरकार जो दिन में 25 मरतबा मौत को याद करेगा उसके शहादत के शहीद की मौत करेगी। दूसरों का ऐलान हम सुनते हैं, कभी ऐलान सुनकर हम अपने आप से कहते हैं इतनी साथ किसी का ऐलान सुन रहा है और इतना लीलाही महिला के राजभवन पढ़ रहा है। एक दिन 13 ऐलान होगा और लोग इतना लीला पड़ेगा। इतरों का ऐलान सुनकर हम उसके मकान पर शादियत के लिए जाते हैं और उसके बच्चों को अपनी बाप की जुदाई पर रोते देखते हैं। कभी इन रोते हुए बच्चों को देखकर हमने अपने आप से कहा इतनी आज तू किसी के बच्चों को अपनी उनकी बाप की जुदाई पर रोता हुआ देखता है। एक दिन 13 बच्चे तेरी जुदाई पर हुए। इतरों की हमने जनाजे की नमाज पढ़ी, इतरों को हमने संदा दिया, इतरों की कब्र पर हमने मट्टी डाली। ये सब मरहले हम पर आने वाले हर वक्त की फिक्र हमारी होनी चाहिए। एक दौर था जब उम्मत में दीन की मेहनत थी तो हरेक के सामने आकर रखती, क्या मर्द क्या औरत क्या बच्चा क्या बूढ़ा हरेक के सामने आकर रखती। औरतें जब शौहर घर से कमाने के लिए बाहर निकलता था तो घर की खातून पर्दे के साथ दरवाजे से जाती थी और अपने शौहर से कहती थी अल्लाह का वास्ता अल्लाह का वास्ता, हमें हराम रूप में लाकर मत खिलाना, जहन्नम में जलने की ताकत हमारे अंदर नहीं है, अब चट्टी रोटी पर गुजारा कर लेंगे लेकिन हमें हराम रूप में मत खिलाना। एक बच्चा आखिरत का ऐसा बयान कर रहा है जो बच्चा बेहोश हो गया, उस बच्चे को तसल्ली नहीं है, बेटा तुम छोटे बच्चे हो तुम्हारे नामे अमर से कोई गुना भी नहीं लिखा जाएगा, अभी से तुम्हें आखिरत का इतना फिक्र है। तो बच्चा यूं कह रहा है हड़ जाओ बहलोल, मैंने अपनी अम्मा को हमेशा देखा है, जब वो घर में चूल्हा जलाती है तो चूल्हे में पहले छोटी छोटी चपटियां रखती है उसके बाद बड़ी बड़ी लकड़ियां रखती है। मुझे ये फिक्र है अल्लाह पाक जब जहन्नम को जलाएंगे तो छोटी छोटी चपटियों की जगह पर मैं न रखूंगा। अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला मस्जिद में बैठे हैं और बीबी आकर का यहां बैठे हो घर में चपटी आटा नहीं है, कितना बड़ा मसला है। अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला ने अपनी बीवी से फरमाया अल्लाह की बंदी हम पर बड़ी दुश्वार घाटियां आने वाली हैं और उन घाटियों पे से मोहित और सहूलत से गुजर जाएंगे जो दुनिया में हल्के फुल्के होंगे। किताब में लिखा है ये बात सुनकर बीवी खुशी खुशी वापस चली। हरेक के सामने आखिरत की, हमारे ये ढाई घंटे हमारा ये तीन दिन हमारा जिला हमारे घर बसी की तारीख हमारी ये चार महीने हमारा ये सारी जो दौड़ धूप है इसके पीछे मकसद एक ही है कि हमारे अंदर में आखिरत का फिक्र पैदा हो। जैसा आज हमारे सामने रोटी कपड़ा मकान हमने इसको इतना बड़ा मसला समझ लिया है कि हरेक के सामने यही फिक्र है कि रोटी कपड़ा मकान रोटी कपड़ा मकान। हालांकि मेरे दोस्तों ये कोई मसला नहीं है, ये तो मुकद्दर की चीज है, जितना मुकद्दर में लिखा है इतना मिलके रहेगा, ये तय शुदा बात है। जिस घर में मौत होती है मलिकुल मौत उस घर के दरवाजे पर खड़े होकर के ऐलान करते हैं तुम सब क्यों रोते हो, मैंने इसके मुकद्दर के दाने कम नहीं किए, ये अपने मुकद्दर के दाने पूरे कर चुका था, मैंने इसके पानी के कतरे कम नहीं किए, ये अपने पानी के कतरे पूरे कर चुका था, मैंने इसके सांस के लम्हात कम नहीं किए, ये अपने सांस के लम्हात पूरे कर चुका था। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है घर वाले अगर मलिकुल मौत के इस ऐलान को सुन ले तो बजाय मैयत पर रोने के अपने ऊपर रोना शुरू करे, हमारा क्या होगा। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों हम दुनिया में दुनिया के लिए नहीं आए, हम दुनिया में आखिरत के लिए आए हैं। हमारा आने का मकसद खुद दीनदार बनना और दीन की मेहनत करना, ये हमारे जिम्मे है। हरेक के पास जाना हरेक को समझाना दावत है दूसरों में लेकिन हमारे लिए जैसे भी मैं बोल रहा हूं आप लोगों के सामने लेकिन मकसद और टारगेट मेरी अपनी जात है। ये सारी बातें हमारे अंदर आ जा रहे हैं, जैसे दुनिया बोलते बोलते और दुनिया सुनते सुनते और दुनिया देखते देखते इसके इतने तस्करे और मुजाकरे हुए कि दुनिया का भूत हम पर सवार हो गया। हालांकि दुनिया मुकद्दर की है,
इससे ज्यादा कदर किसी को मिली है न मिलेगी। हम तो दुनिया में आखिरत के लिए आए हैं, हर वक्त की फिक्र हमारे अंदर में आखिरत की होनी चाहिए। फजल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि हम दुनिया में दुनिया के लिए नहीं आए, हम दुनिया में आखिरत के लिए आए हैं। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरा तशरीफ ले गए तो 50 नमाज दी थी, हालांकि यही 24 घंटे का दिन था। 7 घंटे शरीयत ने सोने की इजाजत दी, 7 घंटे सोने के निकाल दो, 17 घंटे बचे। अब ये 17 घंटों में 50 नमाज तकसीम करो। तो पता चला हम दुनिया में दुनिया के लिए नहीं आए, हम दुनिया में आखिरत के लिए आए हैं। हर वक्त की फिक्र हमारी आखिरत की होनी चाहिए। हमारे घरों में इसी के मुजाकरे हो, इसी के फिक्र हो, अपने बेटों का यही जहन बनाया जाए। आज हमने दुनिया के तस्करे और दुनिया का फिक्र इतना सवार है, घर में अगर बेटे का जहन बनाते तो बेटे से ये कहते बेटा भड़ नहीं, भड़ेगा तो केले की लाली निकालनी पड़ेगी, नहीं भड़ेगा तो रिक्शा चलानी पड़ेगी, नहीं भड़ेगा तो फिरी फिरनी पड़ेगी। लेकिन कभी हमने अपने बेटे से ये कहा कि बेटा एक नमाज छूट गई ना तो खबर नबी की है कि अंजाम के एतबार से ऐसा है कि माल और दौलत सब कुछ छीन लिया गया, अकेला खड़ा रह गया। आज दुनिया के तस्करे घरों में है तो हरेक को दुनिया का फिक्र है। दौरे साहबा में आखिरत के तस्करे, आखिरत के मुजाकरे ये घरों में थे, तो हरेक के लिए कुर्बानी देना आसान था। जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं उस मकसद पर जिंदगी लगाना, हरेक क्या मर्द क्या औरत क्या बच्चा क्या बूढ़ा, हरेक के लिए आसान था, मुश्किल कुर्बानी। लेकिन रिवाज में थी तो हरेक के लिए आसान। एक तकाजे पर बाप बेटा दोनों तैयार, बाप कह रहा है मैं जाऊं, बेटा कह रहा है मैं जाऊं, एक घर में से दुख की तश्कील हो रही है। बेटे ने अब्बा से कहा अब्बा माजूर है पैर से रुक जाइए। तो अब्बा ने कहा बेटा मसला आखिरत का है, अगर मसला दुनिया का होता तो मैं अपने नफ्स को समझा देता, मेरे बेटे ने खाया मैंने खाया, मेरे बेटे ने पहना मैंने पहना, लेकिन बेटा मसला आखिरत का है और मेरी तमन्ना यह है कि मैं भी अपने लंगड़े पैर से जन्नत पे चलू फिरूं। एक तकाजे पर बाप बेटे दोनों तैयार, और मेहनत इतनी रिवाज में है, कुर्बानी इतनी रिवाज में है कि जब ये घर पहुंचे और बीवी से कहा मैं जा रहा हूं अल्लाह के रास्ते में, तो बीवी ने जज्बात को उभारने के लिए ताना दिया। आप मैं तो देख रहे हैं वापस आ रहा हूं, बीवी का ये जुमला सुनना था। हजरत अमर बिन जबू घर में गए, सामान्य सफर किया, घर से बाहर निकले और किबले की तरफ रुक कर दिए, दुआ मांगी अल्लाहुम्मा ला तुअक्किलना अहली, ए अल्लाह मुझे अपने अहल की तरफ वापस मत लौटाना। बाप बेटे दोनों एक तकाजे पर एक जमात में जा रहे हैं। आज किसी की तस्वीर तो करके देखो, लेकिन कुर्बानी इतनी रिवाज में है कि दोनों जा रहे हैं और दोनों शहीद हो रहे हैं। और इनकी खबर जब घर वालों को दी कि शौहर और बेटा शहीद हुआ है, तो बीवी की तमन्ना है कि दोनों को मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी में दफन करें। अव्वल तो ऊंट उठता नहीं है, और जब ऊंट उठता है तो बजाय मदीना की तरफ मुख करने के ओहदी की तरफ मुख कर रहा है। खबर दी गई सरकार तो आलम सरासम को, आपने आकर फरमाया ऊंट को यही हुक्म है कि अमर भी जम्मू घर से निकले तो कुछ कहके गए थे। बीवी ने कहा हां, किबले की तरफ रुक करके ये दुआ मांगी थी अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, ए अल्लाह मुझे अपने घर की तरफ वापस मत लौटाना। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया, जिसका मफहूम और खुलासा है जीते जीतो वापस नहीं आए, अब आपकी लाश भी वापस नहीं आएगी। चुनांचे बाप बेटे दोनों को अहद में दफन किया गया। जितने लोग हज और उमरे में गए हैं हर एक ने अहद में देखा होगा, दोनों बाप बेटे की कब्र वहां है। ये हमारी तश्कील कर रही है। आज वो अहद में रहकर हमको समझा रहे हैं कि देखो एक ही तकाजे पर हम बाप बेटे दोनों गए हैं और हम दोनों ने शहादत का जाम किया है। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, हमारे लिए आसान तश्कील, कोई साल का चिल्ला, वो दिन कब आएगा कि हम बगैर तश्कील बस लगावे? वो दिन कब आएगा हम बगैर तश्कील तीन दिन लगावे, बगैर तश्कील ढाई घंटे लगावे, बगैर तश्कील हम जो है मेरे दोस्तों हफ्ता तय करके पाबंदी से तीन दिन लगावे, साल का चिल्ला लगावे? हम अपनी आखिरत को सोचें कि मैं ऐसे नए नए साथियों को लेकर जाऊं और मेरी आखिरत की कमाई हो जावे। हम लालची बने, हमारे मौलाना इस्माइल साहब कहते हैं हम तो हारिस बने, हारिस लालची, जहां मौका मिले वहां दावत देना, जहां मौका मिले वहां दावत देना। हमारे मौलाना एक मरतबा
बस एसटी बस से आ रहे थे मौलवी फैज साहब बहुत साल पहले, तो एक स्टूडेंट ने सलाम किया, मौलाना अपने पास जगह रखी, उस स्टूडेंट को बाद में बिठाया। नौसारी से लेकर सूरत तक मौलाना ने उस स्टूडेंट के साथ बात की। वो स्टूडेंट का नाम है मिनहाज, आज वो पूरे नौसारी जिले का जिम्मेदार है। मेरे दोस्तों हम लालची बने, दिन दिन जाना और नए नए साथियों को तैयार तस्वीर करके तैयार करें, जिला जाना है नए नए साथियों को तैयार करें तस्वीर करें। अब देखा बुध जुमेरात को जरा बाजार ठंडा है, जुमा को कहां जा रही जमात, बोले गरीब का रूट है, चलो मैं भी तीन दिन चला जाता हूं, यू भी दोन दिए। नो डाउट तीन दिन लग गए तीन दिन। अरे अल्लाह के बंदे, हफ्ते पहले तय करता, कुछ नए नए साथियों की तश्कील करता, तैयार करता, मेरी कुर्बानी लगती। ये तो देखा दो दिन बाजार थोड़ा ठंडा है, अभी कुछ बाजार तो है नहीं, और ऐसे भी गरीब का रुख है, जमात भी बहुत अच्छी है, मैं जुड़ जाता हूं। कोई हरत नहीं, तीन दिन लग गए, लेकिन जो कमाई होनी चाहिए आखिरत की, कि अपना नाम पढ़ता, दो चार पांच नए साथी आते, पहले से डिक्लेयर करते, तैयार हो जाते ऐसे चिल्ले के लिए, ऐसे ही चार महीने के लिए, बहुत लोग तैयार है, लेकिन लोग देखते हैं चार महीने जाना है, लेकिन कौन लेके जा रहा है। अब हमारी वजह से लोग तैयार, हम जब तैयार नहीं हो रहे तो हमारे पीछे भी कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो हम तो मेरे दोस्तों इसी के आए हैं दुनिया में, हर वक्त की फिक्र हमारी आखिरत होनी चाहिए। अभी हमारा सफर हुआ था, यानी पूरे जिले के साथियों का हर जगह पर जाना, जॉन भाई सबको जमा किया था, लोगों ने चार चार महीने की नियत की थी। हमारे यहां से 2 फरवरी तय हुई है, ये बताओ 2 फरवरी से चार चार महीने के लिए इस मजमे में से कौन कौन तैयार है। साथियों का पहुंचना हुआ था, कहां पहुंचने के बाद साथियों ने क्या तरकीब हुई, क्या मेहनत हुई, कौन अफराद तैयार है और क्या कारगुजारी, वो सुनाओ। हम लोग पहले ये बताओ कि इस मजमे में से फरवरी में चार महीने अपना और अल्लाह का मामला सही करेंगे तो फिर अपना और मखलूक का मामला सही हो जाएगा। तो ये मजमा तय करें, रोजाना घड़ी देखकर 2.5 घंटे लगाएंगे, और जिसका साल हो चुका है वो तो अपने हाथ पर रहम खावे और अपनी तरकीब बनावे। अपना साल का चिल्ला कभी भी नागा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, ये तो आखिरी रहने की बात है। और जहां 3-4 साल हो जावे तो आदमी अपनी फिक्र से तय करे कि इस साल मुझे 4 महीने जाना है, और मेरे साथ इसको ले जाना है, इसको ले जाना है, इसको ले जाना है, पहले से टारगेट बनावे और अपने साथ 3-3 दिन लेके जाए कि फला महीने में मेरा इरादा है, इसको अभी से डिक्लेयर ना कर दे अगर 4-6 महीने की देर है तो, वरना वो दूसरी तश्कीलें रुक जाएगी। तो पहले अपनी तारीख बता देंगे, दूसरा भी कि तो फला तारीख को हमारे साथ चलना है। तो अगर 2-3-4 मरतबा जिसके 3 दिन हमारे साथ लगेंगे ना, वो खुद इंशाल्लाह कहेगा आप कब जाने वाले हो, मैं आपके साथ तैयार हूं। तो हमारी आखिरत की कमाई होगी, कल हम मरकर कब्रों में चले जाएंगे, और हमने जितनों पर मेहनत की है और हमारी मेहनत से जितने लोग तैयार हैं, हमको होलसेल में सवाब मिलता रहेगा। तो सब इसकी फिक्र करें कि घड़ी देख के 2.5 घंटे लगाएंगे, कौन कौन जो है घड़ी देखकर 2.5 घंटे लगाएगा। सारी कमजोरी 2.5 घंटे न लगने की वजह से है, सारी कमजोरी 2.5 घंटे नहीं लग रहे हमारे, इससे ये सारी कमजोरी आई है। उनको अच्छी तल बताया, हर गुजरात के मशवरे में हर 2 माह मच्छर होता है, उसमें तकरीबन आधा घंटा घंटा इस समय पर बात होती है और कहाँ किस तहसील से काम हो रहा है, इसमें इसी पर जोर देते हैं कि तलबा का काम लेने के लिए उनके ऊपर ही जिम्मेदारी डालो, ये काम आप नहीं कर सकते, उनके ऊपर जितनी भी जिम्मेदारी आप डालोगे इंशाअल्लाह वो लोग खुशी खुशी इस काम को करेंगे। और तलबा में काम करने के लिए सबसे पहले जरूरी है उनकी फहरिस्त यानी उसका लिस्ट। बहुत सारे हमारे मोहल्लों में, हमारे बाजू के मोहल्ले में तलबा होते हैं, उनकी मुलाकातें करवाना, उन्हीं तलबा के जरिए से उनकी मुलाकातें करवाना, उनको ईमान यकीन तौहीद रिसालत सखावत इंसाफ
की बात करके बार बार बात करना उनसे, वो क्या पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, उसको छेड़ना नहीं है, ये गलत है, ये कार्य आप कर रहे हैं, उससे तो दूर हो जाएगा, उसको छेड़ना नहीं है, उसको तो ईमान यकीन की बात करना है, आखिरत की बात करना है, उसका खुद का ईमान उसको उसमें ताकत पैदा होगी, वो खुद सोचने वाला बनेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, हर चीज में तब्दील आएगी। और ये तलबा मुख्तलिफ माहौल से गुजरते हैं, उनका माहौल बदलता रहता है, हम लोग तो है कि मस्जिद के माहौल में रहते हैं, घर के माहौल में रहते हैं, बाजार में जाते हैं, उनके यहाँ उनके भी एक तो मस्जिद का माहौल होता है, ईमान यकीन का, फिर घरों में आते हैं कुछ माहौल, फिर कॉलेज में जाते हैं तो फिर और तरीके का माहौल होता है, उस माहौल में उसको जमे रहना उसके लिए